नमस्कार। प्लीज डोंट कंपेयर ऑन पैसे विद एनीवन और एनीथिंग। आई विल रिपीट इट अगेन। प्लीज डोंट कंपेयर ऑन पैसे विद एनीवन और एनीथिंग। हिंदी में मैं आपसे बोलने वाला हूं कि ऑन पैसे को किसी के साथ भी कंपेयर ना किया जाए और कोई भी चीज इसके साथ इसकी तुलना ना की जाए, किसी आदमी के साथ या किसी चीज के साथ। बहुत सारे सवाल हैं इसमें छुपे हुए और वो सारे सवालों का एक ही जवाब है कि ऑन पैसिव को किसी भी के साथ कंपेयर ना किया जाए, चाहे वो लिविंग चीज है, चाहे वो कुछ क्रिएशन पहले की हुई है, वो चीज है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ऑन पैसिव जो है एक ओरिजिनल क्रिएशन है। बेसिकली इट्स ओरिजिनल क्रिएशन, ए फ्रेश कॉन्सेप्ट। कभी भी जो चीज पहले ये अटेम्प्ट नहीं की गई किसी के साथ, इसीलिए ये फ्रेश है, ये ओरिजिनल है। फ्रेश 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 एंड ओनली फ्रेश कॉन्सेप्ट। जो अभी भी हम ऑन पैसिव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। जस्ट एक छोटा सा टाइनी पार्ट है ऑन पैसिव का जो अभी भी हमारे सामने है। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। 90% ऑन पैसिव अभी हमारे सामने आने वाली, इतनी बड़ी ये एक क्रिएशन है। इसीलिए बार बार मैं ये बात शब्द कह रहा हूं कि ऑन पैसिव को किसी के भी साथ प्लीज कंपेयर मत करिए। प्लीज डोंट कंपेयर ऑन पैसिव विद एनीवन और एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज इसको जो स्क्रैच से बनाया जा रहा है, एवरी कोड, एक एक जो कोड लिखे गए हैं ऑन पैसिव में, वो ओरिजिनल लिखे गए हैं। कहीं से भी कोई भी कोड कॉपी नहीं किया गया है। डिजाइन, लेआउट्स, सारा कुछ जो है ऑन पैसिव का, एक एक चीज को ओरिजिनलिटी के साथ बनाया गया है। उसको कोडिंग इस तरीके से की गई है जो कि बिल्कुल फ्रेश और ओरिजिनल कोडिंग है। अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा लगा ऑन पैसिव को कि इन कोड्स में थोड़ी सी भी किसी के साथ कंपैरिजन या कुछ है, तो वो फिर से रीराइट किया गया है। इसलिए ऑन पैसिव को इतना टाइम लग रहा है कि कहीं भी कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये थोड़ी परफेक्शन से कम है, उसको अगेन रीराइट किया जाता है। तो ऐसे ऑन पैसिव बन रही है। इसलिए ऑन पैसिव को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, किसी भी लिविंग और डेड और जो भी आज तक देखा है उसके साथ प्लीज मत कंपेयर करिए। एक एक चीज स्क्रैच से बनाई जा रही है, तो इसीलिए ऑन पैसे को किसी के साथ हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते। टोटल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। एवरीथिंग इज ओरिजिनल, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, लेट इट बी डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स, जो भी कुछ है सारे के सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर पेटेंटेड। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको पेटेंट किया गया है ताकि कोई भी उनको बाद में कॉपी भी ना किया जाए। कुछ के पेटेंट अभी पेंडिंग है और कुछ के ऑलरेडी इन द प्रोसेस है वो वाले, ओके? वो हो जाएंगे। तो इसलिए ये ओरिजिनल क्रिएशन है, तो इसीलिए इसको बार बार ये मैं मुझे आज कहने की जरूरत पड़ रही है कि ऑन पैसे क्यों किसी के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसके प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, जो हमें मिलने वाली है, शायद अभी हमारे सामने नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस चीज की वैल्यू समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जो चीज हमारे सामने होती है हम बेसिकली उसकी वैल्यू समझते हैं, बट क्योंकि ये आंखों के सामने बन रही है, हमारे सामने बन रही है, और हमें बहुत बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं कि चीजें कैसे बन रही हैं, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू होने वाली है वो माइंड ब्लोइंग वैल्यू होने वाली है, जो कि पहले कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की ऐसे वैल्यू नहीं है। जब हम बात करते हैं कि सारा कुछ ओरिजिनल है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल एक डाटा सेंटर्स का भी है। आपको शायद मालूम चलने वाला है थोड़े दिनों में कि हमारे डाटा सेंटर्स लगभग इस धरती पे जितने कॉन्टिनेंट हैं, सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पे हमारे डाटा सेंटर्स होंगे, और कुछ तो बनके भी रेडी हैं। आपको आने वाले दिनों में उसका 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 खुलासा आपके सामने होने वाला है। तो हमारे डाटा सेंटर हमारे अपने हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, एक लोकेशन पे नहीं है, डिफरेंट मल्टीपल लोकेशंस पे हमारे ऑफिसेज हैं।
कुछ ऑफिसेज हमारे अभी प्लान आउट और हो रहे हैं और वो अभी बन रहे हैं, वो आने वाले दिनों में आने वाले हैं। हमारे पास 1.3 मिलियन फाउंडर्स हैं जो कि आज तक किसी कंपनी के पास नहीं, यानी कि 13 लाख फाउंडर हैं जो कि किसी भी कंपनी के लॉन्च होने से पहले की जितने भी संख्या है उससे ज्यादा है ये। इसीलिए हम लोग ओरिजिनल हैं, एक आइडिया multi-billion dollar का आइडिया है, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, उनको ये क्रिएशन पसंद आ रही है, इसीलिए ऑन पैसिव को हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऑन पैसिव को हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं बार बार ये शब्द इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि ये सबके माइंड में बार बार ये शब्द आए। जब भी हम कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं कुछ देखते हैं तो शायद हम सोचते हैं अच्छा ऑन पैसिव ऐसी होगी, ओ अच्छा अच्छा ऑन पैसिव तो ऐसी होगी, ओ अच्छा अच्छा ये क्योंकि वो आदमी ऐसा है तो शायद उसके जैसी जो उसने चीजें बनाई है शायद ये उसके जैसी होगी। ओके तो नहीं, नो 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 नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ओरिजिनल क्रिएशन है जो कि कभी किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं की बनाने की, किसी ने सोचा तक नहीं है कि ऐसा एक फ्रेश आइडिया बनाया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए और उसको इस संसार पे लाया जाए। और कैसे लाया जाए वो भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया, कैसे बना के इतना पेशेंस, इतना इंटेलिजेंस, इतना हार्डवर्क, इतना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो होती है वो वाली, वो हमारे सीईओ हैं मिस्टर ऐश मुफार है, उनमें ये सारे के सारे गुण है, तो इसलिए वो ऑन पैसिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं। वर्ल्ड का कोई भी सीईओ ऐसा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा, इस लेवल का प्रोजेक्ट है ये ऑन पैसिव, ये वन एंड ओनली मिस्टर ऐश मुफार है, ये उन्हीं की एक क्रिएशन उन्होंने ऐसी सोची है जो कि उस लेवल के ऊपर जाके बना रहे हैं, और ये वन एंड ओनली मिस्टर ऐश मुफार है, हमारे सीईओ हैं, वो ही कर सकते थे और वो ही कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ओरिजिनल क्रिएशन है, एक फ्रेश 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 कॉन्सेप्ट, फ्रेश आइडिया, फ्रेश multi-billion dollar आइडिया। इसमें हमारे पास इनोवेटिव लैब्स हैं, इनोवेटिव लैब्स मतलब वहां पे सारा कुछ हम रिसर्च डेवलपमेंट R&D कुछ चीजें वहां पे सिखाई जा रही हैं, कुछ सीख रहे हैं। ओके तो वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, चीजों को बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि आने वाले टाइम में ऑन पैसे में डाली जाएंगी, वो सारी की सारी उन लैब्स में उनको स्थापित किया जा रहा है। पीछे बैक एंड के ऊपर जो भी इतने बड़े ऑपरेशंस को संभालना है उसकी एक वॉर फ्रंट के ऊपर एक एक तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में हम लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग ओरिजिनल हैं, इसीलिए हम इस लेवल का काम कर रहे हैं जो कि कभी किसी ने किया, इसलिए हमें किसी के साथ कंपेयर करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। कभी भी कुछ आप देखते हो उसको 10 बार सोचो कि ये मैं चीज कोई शेयर करने जा रहा हूं या किसी से बोलने जा रहा हूं तो ये उसके जैसी नहीं है। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ऑन पैसिव किसी के जैसी नहीं है, ऑन पैसिव इज अ फ्रेश। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। साथियों 60 साल फ्रेश कॉन्सेप्ट, अ फ्रेश आइडिया, ए फ्रेश आइडियोलॉजी, ए फ्रेश फ्रेश व्हाट एवर यू कैन से, कुछ भी आप जो भी फ्रेश का नाम दे सकते हैं, ये वो आइडिया है, तो इसीलिए ये ओरिजिनल है, कोई कुछ भी चीज कॉपीड नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ऑन पैसिव है दिल से बन रही है, इट्स गेटिंग मेड बाय हार्ट। मिस्टर ऐश मुफार इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ही एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं, इसीलिए वो ऑन पैसिव दिल से बना रहे हैं। और कौन कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में दिल नहीं होता, बट यस AI में दिल होता है, ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव इज मेड बाय हार्ट, इसीलिए ये ओरिजिनल है, इसीलिए ये एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है। ओके तो ये हम हजारों बार लाखों बार हम ये कह सकते हैं कि ऑन पैसिव ओरिजिनल है, और यही बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि इस लेवल का ये प्रोजेक्ट है कि हम कभी भी किसी के साथ इसको ना कंपेयर करें, ना ही किसी के साथ इसको लिविंग और डेड और एनीथिंग जो इस धरती पे अभी हम देख पा रहे हैं
कि ये टेक्नोलॉजी है. नो 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 नो, एवरीथिंग इज फ्रेश. सो मेरा सबसे यही एक गुजारिश है कि इसको समझा जाए. बार बार ये लाइन मैंने इसलिए बोली है कि ऑन पैसिव को किसी के साथ कंपेयर मत करना. प्लीज ऑन पैसिव फ्रेश है, किसी लिविंग किसी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी की किसी भी चीज के साथ ऑन पैसिव को हमें कंपेयर नहीं करना है.